अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करने वाले हैं MTH 501 की असाइनमेंट नंबर 2। इसके सेक्शन इंचार्ज है मिस साइमा शाफी। इनके असाइनमेंट का सलूशन आज हम करने वाले हैं। तो आपको एक ही क्वेश्चन गिवन है 10 मार्क्स का और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, हमने प्रूफ या फिर डिसप्रूव करना है कि ये जो तीन वैक्टर्स हमें दिए हुए हैं ये R3 की बेसिस है या नहीं है। तो हमें पता करना है कि ये R3 की बेसिस है या नहीं है। अगर है तो ये प्रूफ हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये डिसप्रूफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हैंडआउट्स में देखते हैं। अगर आप हैंडआउट्स में देखें तो पेज नंबर 328 पर लेक्चर नंबर 24 से ये असाइनमेंट आई है आपकी। लेक्चर नंबर 24 में अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने आपको सारे डायमेंशंस के बताए हैं। तो थ्री डायमेंशंस ऑफ स्पेस के लिए जो R3 है उसके अंदर जो तीनों हमारे पास वेक्टर हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी थ्री लिनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स जो है वो R3 में अगर होते हैं तब भी वो R3 को स्पेन करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब हम चेक करेंगे रो रिड्यूस ऑपरेशन करने के बाद कि यह क्या लिनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इन तीनों वेक्टर्स को मिला के एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। आप मैथ टाइप से या मैथ एडिटर से लिख सकते हैं। उसके बाद इस पर रो रिड्यूस ऑपरेशन करना है। वो कैसे करना है वो डिफरेंट तरह से आप कर सकते हैं। आपने सबसे पहले तो यहाँ देखें, हमारे पास जो इक्वेशन है अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ देखें, यहाँ 5 है, हमें तो 5 नहीं चाहिए, हमें यहाँ 1 चाहिए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 1 बनाना होगा। तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम R1 को 5 पे अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारा 1 तो बन जाएगा। ठीक है, ये बाकी R1 5 1/5 क्योंकि यहाँ पर 1 था, डिवाइडेड बाई 5 आ गए क्योंकि हमने यहाँ पे R1 को 5 से डिवाइड किया है। और हमारे जो पहली वाला एलिमेंट था वो अब 1 बन चुका है। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसके जो नीचे वाला ऑपरेशन है यानी कि 3 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे 0 बनाना है। हम पहली रो को सबसे पहले जो है वो सेट करेंगे। तो उसका जो पहला एलिमेंट है वो 1 होगा और बाकी दो एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, तो हमने 3 को 0 बनाना है। अब 3 को 0 बनाने के लिए हम क्या करें, हम R1 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वो 3 बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद उस 3 को इस 3 से जब माइनस करेंगे तो यहाँ 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसे R2 में से माइनस कर दें। जब R2 में से माइनस होगा तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा और बाकी वैल्यू जो आपकी आएंगी आपने वैसे ही लिख देनी है। इसके अलावा भी अगर आप कोई और रो ऑपरेशन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही रो ऑपरेशन करें जो मैंने किए, आप कोई भी रो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर। आपने जस्ट इसको 1 बनाना है और उसके बाद इसको 0 बनाना है और उसके नीचे वाले को भी 0 बनाना है। तो हमारे पास जो 4 है उसको 0 बनाने के लिए सेम प्रोसीजर मैंने फॉलो किया। मैंने R1 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई किया और अब इसको R3 से माइनस कर दिया तो मेरा यहाँ पे भी 0 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो बन रहा है उसको आपने बिल्कुल नहीं देखना कि यहाँ पे कोई बहुत ही फ्रैक्शन बन रही है या डिफिकल्ट बन रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये आपकी पहली रो अब हो गई सेट, 100 हमारे पास बन चुका है। अब हमने जब पहली रो को सेट कर लिया तो अब हमें दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट देखना है। पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। हमारे पास दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 7/5 है। तो हम 7/5 को क्या करेंगे, 5/7 से डिवाइड कर देंगे जिसकी वजह से ये कट हो जाएगा और हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने R2 में 5/7 से इसको डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास वो कटिंग हो जाए। तो कटिंग हो गई हमारे पास और ये हमारे पास 1 आ गया, ये भी हो गया। अब हमने उसके जो नीचे वाला एलिमेंट होता है उसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हम R1 इसको 0 बनाने से पहले हमें ऊपर वाले को भी 1 बनाना होगा, ऊपर वाले को भी 0 बनाना होगा ना, क्योंकि ये देखें यहाँ पे पहला आपका एलिमेंट 1 होता है, इसके बाकी नीचे 2 0 होंगे। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 1 होगा, उसके ऊपर भी 0 होगा और उसके नीचे भी 0 होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे पास 1/5 है, तो 1/5 को हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम R1 में से माइनस कर देंगे R2/5 को। R2 हमारे पास क्या है, ये 1, यानी कि 1/5 से R1 में से हम 1/5 को माइनस कर देंगे। जब 1/5 में से 1/5 को माइनस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। तो ये भी आपका 0 बन गया। ठीक है, और 1/5 में यहाँ पे 1/7 बन गया ये। तो हमारी पहली रो में चेंज आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो 21/5 है इसको करना है। अब 21/5 को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने क्या किया, हमने अब R3 में से 21/5 रो को माइनस करना है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से 21/5 हट जाएगा क्योंकि 21/5 से ही तो हम माइनस कर रहे हैं। 21/5 में से 21/5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट हमारा 1 हो गया, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट हमारे पास 1 हो गया, इसके नीचे वाले दोनों 0 हो गए, इसके ऊपर भी 0 हो गया, इसके नीचे भी 0 हो गया, ये तो हो गया। लेकिन अब आप यहाँ देखें कि हमारा जो तीसरी रो का ये जो एलिमेंट है ये भी ऑटोमेटिकली 0 बन गया। इसको 0 नहीं होना चाहिए था, अगर ये 0 ना होता तब हम इसको 1 बनाते, क्योंकि देखिए हमें डायगनल पे 1 बनाने हैं ना। यहाँ पे डायगनल पे 1 आ गया, 1 आ गया, अब यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था, लेकिन हमने जो ऑपरेशन किया उसकी वजह से ये तो 0 बन गया। अब इसके 0 बनने की वजह से क्या हुआ,
यहाँ पे देखिए हमने ये मैट्रिक्स गेट कर ली, ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स है। अब हमने देखा कि हमारी जो तीसरी रो है उसके सारे एलिमेंट्स अब जीरो हो चुके हैं, तीसरी एलिमेंट के सारे रो जीरो हो चुके हैं, इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे जीरो ना होता तो इसको हम वन बनाते तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता, इंडिपेंडेंट हो जाता तो ये प्रूव हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये डिसप्रूव हो गया। अब ये डिसप्रूव क्यों हुआ है, क्योंकि जो तीसरी रो है उसके तमाम एलिमेंट आपके पास जीरो बन चुके हैं, जिसकी वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे हमारे पास एट द एंड हमने क्या कंक्लूड किया कि ये R3 को स्पेन नहीं कर रहे, क्योंकि स्पेन करने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना होता है। जैसे कि अभी हमने एंड नोट्स में देखा कि स्पेन करने के लिए क्या होने, तो वो लिनरली इंडिपेंडेंट होंगे तीनों वेक्टर, तभी वो R3 को स्पेन करेंगे। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना था। अब हमने प्रूफ कर लिया क्योंकि ये स्पेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तीसरी रो जीरो हो चुकी है, अगर तीसरी रो जीरो ना होती तो फिर हो जाता, इसका मतलब है कि ये डिसप्रूव हो गया। तो यही था आपका छोटा सा सोल्यूशन, होप सो कि आपको समझ आया होगा। तो आपको ये बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर नंबर 24 को भी आप जाके देख सकते हैं, और देखिए लेक्चर नंबर 24 में डिफरेंट तरह के उन्होंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए और डिफरेंट तरह के उन्होंने प्रूफ किए हुए, काफ़ी बड़ी बड़ी इक्वेशंस दी हुई हैं, लेकिन आपको मैट्रिक्स में सिर्फ तीन बाई तीन का मैट्रिक्स था, तो देखिए इसको रो रिड्यूस में ही बनाया गया है, और उसके बाद देखिए आखिर रो जीरो हो चुकी है, इस तरह से वही ये डिपेंडेंट हो गया। इस तरह से आगे भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपके लेक्चर नंबर 24 में दी हुई हैं। अगला लेक्चर नंबर 24 को आप स्टडी करते हैं तो आप ये असाइनमेंट आराम से खुद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे और भी वेक्टर्स दिए हुए, और फिर देखें कैसे उनको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखा, उसके बाद उसके ऊपर रो रिड्यूस ऑपरेशन किया और आखिरी वाला कॉलम जीरो हो गया। तो ये लेक्चर नंबर 24 है, और देखिए इसमें सारी ऐसे ही क्वेश्चन हुए हुए हैं। तो ये असाइनमेंट तो लेक्चर नंबर 23 से 27 तक है, लेकिन 23 से 27 में से 24 वाला लेक्चर जो है ना उसी में से ये असाइनमेंट आई हुई है। तो आप लेक्चर नंबर 24 सबसे पहले लें, और उसके बाद आप ये वीडियो देखें, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, तो आपकी असाइनमेंट 100% करेक्ट सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।